आप अक्सर फिल्मों में देखते हैं जब भी किसी को गोली लगती है तो उसकी मौत हो जाती है, क्या गोली में पॉइजन होता है? चलिए जानते हैं इसके बारे में। पहले समझते हैं गोली किसे कहते हैं। गोली के आगे वाले हिस्से को बुलेट कहा जाता है जो ठोस और नुकीला होता है। बीच वाले हिस्से को बुलेट केस कहा जाता है जिसके अंदर गन पाउडर भरा होता है। और सबसे पिछले वाले हिस्से को प्राइमर कहा जाता है। प्राइमर चिंगारी उत्पन्न करने का काम करता है। जब प्राइमर के ऊपर प्रेशर डाला जाता है तो उसके अंदर आग उत्पन्न होती है जो तेज गति से आगे की ओर धकेलती है। बुलेट की स्पीड इतनी तेज होती है कि जब किसी इंसान के ऊपर लगती है तो शरीर के उस हिस्से से खून तेजी से बहने लगता है और इंसान की मौत हो जाती है। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि गोली के ऊपर जहर लगा होता है, तो यह सच नहीं है। ज्यादा खून निकलने की वजह से किसी की मौत होती है। अगर सही समय पर मरीज को अस्पताल ना ले जाया जाए तो उसकी मौत तय है, लेकिन जब बुलेट सर और सीने में यानी दिल और दिमाग पर लगता है तो इंसान की उसी समय मौत हो जाती है, क्योंकि ये हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। आई होप अब आप समझ गए होंगे गोली लगने से मौत क्यों होती है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें।